अरे अंकल, आपकी बाइक से पेट्रोल लीक हो रहा है। अरे ये कैसे लीक हो गया पेट्रोल? अरे अरे बिट्टू, ये पेट्रोल, अरे बिट्टू चॉकलेट, चॉकलेट नहीं, अरे चॉकलेट, चॉकलेट बिट्टू, बिट्टू रोक, बिट्टू नहीं रुकेगा अंकल, इस चॉकलेट का पैसा पापा के अकाउंट में लिख देना। आज चॉकलेट चुराई है, कल लूट करेगा, परसों डाका डालेगा तू, यही सब करने के लिए पैदा हुआ है। अरे क्या बोले जा रहे हैं, बच्चा है क्यों बात का पतंगड़ बना रहा है? चल बिट्टू, रुक, ये बच्चा नहीं है, ये हमारा बाप बन गया है और इसकी जिम्मेदार हो तुम। तुमने इसकी सारी बुरी आदतों पे पर्दा डाल के रखा है। कभी खुद की आदतों को देखा है? अरे क्या बकवास कर रही तुम, ये बच्चे के सामने मुंह मत खुलवाओ मेरा, सब पता है कि तेरे पानी में हूं। चाहिए आपको वो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट किट चाहिए। क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किट? वो मेरी दीदी के लिए। ओके ठीक है, मैं लाता हूँ। गरम पूरी लेकर आती हूँ। बड़ी देर लगा दी स्कूल से आने में, कंपनी जाना है क्या? वो हम सहेली से नोट्स लाने गए थे, इसीलिए लेट हो गए। बस बहुत हो गया पढ़ाई का नाटक। पढ़ लिख कर होगा क्या? आज अपने पापा का हाथ बटाएगी तो कल को तेरे शादी के ही काम आएगा ना। और तू ही बता, अरे देखा कैसे बिना जवाब दिए चली गई। इसकी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आई। अगर दो लाइन गाढ़ी हो जाए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। रश्मि, ओ रश्मि, अरे कर क्या रही इतनी देर से अंदर? आई दादी। जल्दी निकल, तुझे काम पे लेट हो जाएगा। बिट्टू को देखा क्या? नहीं मैडम जी, बिट्टू तो आज ही आने ही है। कहाँ चला गया ये लड़का? बिट्टू, बिट्टू, नमस्कार आदाब, मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस केस का जिक्र मैं करने वाला हूँ वो मध्य प्रदेश के खंडवा का था। 9 साल के बिट्टू और उसके माँ बाप की जिंदगी में एक जुर्म दस्तक दी थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बिट्टू, मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, कहीं दिखा नहीं मेरा। अब घबराइए मत, आराम से बताइए। वो दोपहर में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला था, उसके बाद से मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किसके साथ खेल रहा था? अंकल हम और बिट्टू क्रिकेट खेल रहे थे दोपहर में। लेकिन बिट्टू वापस आया नहीं, हमें लगा कि उसकी फील्डिंग की बारी आई,
तो शिशु का बहाना करके घर चले गया। कहाँ खेले तुम लोग? बिट्टू तो उधर गया था झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने के लिए। आसपास लोगों से पता करो, शायद किसने कुछ देखा हो। विनीता, बिट्टू को कुछ पता चला? मिल गई फुर्सत तुम्हें आने की। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, तुमने जैसे ही मुझे इन्फॉर्म किया सीधा मैं यहाँ चला आया हूँ। सर, बिट्टू को कुछ पता चला? आप? जयदेव, बिट्टू का पापा। देखिए, मिल जाएगा आपका बच्चा, हम ढूंढ रहे हैं। उसे गायब हुए 7-8 घंटे हो गए, क्या कभी वो इतनी देर घर से बाहर रहा है? नहीं सर। पर क्या आपको किसी पर शक है जो बिट्टू को गायब कर सकता है? वो मोनू जो आज मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था इंस्पेक्टर साहब। मोनू वो बच्चा? बच्चा नहीं है, एक नंबर का बदमाश है वो, और उसकी माँ भी कोई कम नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले ही उस मोनू ने मेरे बेटे को बहुत मारा था। छोड़ूंगा नहीं तेरे को बिट्टू। मैंने क्या किया जो तू मुझे मार रहा है? बिट्टू, ए तू कैसे हाथ लगा रहा मेरे बेटे को? हां तू पकड़ लगाऊंगी का बिट्टू? तू चल, लगी तो नहीं ना? तो अगली बार से लड़ाई की ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि हाथ रखेगा, समझा? अरे मेरे बेटे को कैसे मार रही है तू? ये हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को मारने की? संभाल के रख अपने बेटे को, अगर इतना ही प्यार है तो समझी, तो मेरे बेटे को तू मारेगी तो मैं देखती रह जाऊंगी। इतनी अकल है तेरे अंदर पता कुछ है नहीं हो रहा कि बवाल करे? क्या तमाशा कर रही तू? उस झगड़े के बाद से मेरे और मोनू की माँ की बातचीत बंद है। हालांकि मेरा बेटा खेलता है उस मोनू के साथ, लेकिन ये बात उसकी माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक नंबर की चालाक औरत है वो। मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर साहब, उसी ने बच्चों के साथ मिलके मेरे बिट्टू को गायब किया है। मुझे पता था सर, वो मुझ पर ही शक करेगी। मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ सर कि इतनी छोटी सी बात पर किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत काम करूंगी। बात छोटी जरूर थी, लेकिन इतनी बढ़ गई कि बिट्टू की माँ के साथ आपने हाथापाई की। हाथापाई? मैंने? सर, उसने हाथापाई शुरू की। और खत्म आपने की होगी उसके बेटे को गायब करके। देखिए, अगर कुछ भी छुपा रही हैं तो साफ साफ बता दीजिए। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये मोनू की माँ देखने से चालाक लग रही है सर, पर क्या वो ऐसा करेगी? हो सकता है बिट्टू की माँ का शक सही हो। इस लेडी के बारे में पता करो। सर, इन्होंने बिट्टू को ग्राउंड के पीछे वाले रास्ते में किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा था। कौन आदमी? साहब, वो आदमी कौन था ये तो नहीं मालूम, पर शायद बिट्टू उसको जानता था क्योंकि मैंने खुद उसको उसके साथ जाते हुए देखा। दिखता कैसा था वो आदमी? उसका हुलिया याद है? साहब, इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर हाँ, वो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए था। कहाँ जा रहे बिट्टू? अंकल, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे, तू घर चला जाएगा तो इतने सारे चॉकलेट तुझे कौन देगा, समझे ना? नहीं अंकल, पर मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। चुपचाप बैठ इधर। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है। आवाज चढ़ाई ना, तू मार खाएगा। चल इधर, बैठ इधर, आवाज नहीं करेगा, समझा ना? खंडवा से बिट्टू को गायब हुए 10 घंटे गुजर चुके थे और बिट्टू का पता लगाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, और तभी हम एक जंगल के पास बिट्टू की लाश मिली। सिंह, ये जंगल वाला एरिया है, अच्छी तरह से पूरे जंगल छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ तो। आइए सर, बिट्टू की लाश है, बहुत ब्रूटल मर्डर है, ये देखिए। इतने छोटे से बच्चे को इतनी बुरी तरह कत्ल किया गया, जरूर किसी ने दुश्मनी निकाली। सर, बिट्टू की माँ ने मोनू की माँ पे शक जताया था, पर बिट्टू को तो उस ब्लू शर्ट वाले आदमी के साथ देखा गया था, और उस आदमी के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। हो सकता है इस ब्लू शर्ट वाले का बिट्टू की माँ से कोई कनेक्शन, या इसके पेरेंट्स के बैकग्राउंड में कोई ऐसा हो जिसका ये सब करने के पीछे कोई स्ट्रांग मोटिव हो। बिट्टू के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, इतना सब अचानक हो गया और ऐसे वक्त में हम लोग तुम्हारे साथ नहीं थे। पर विनीता कहां पर है?
पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन किस लिए? शायद पुलिस को उससे कुछ बात करनी थी। अरे पर पुलिस उसको मिलना क्यों चाहती है? और तू उसके साथ गया नहीं? दीदी अब विनीता को मेरे साथ खड़े होने में प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि मैंने कभी बिट्टू के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। सुन, तू ये सब बातों को हल्के में मत ले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके वजह से पुलिस तुझे परेशान करना शुरू कर दे। बिट्टू के फादर जयदेव के बारे में कुछ पता चला है? जयदेव कॉस्मेटिक ट्रेनिंग का बिजनेस करता है और बिजनेस टूर पे कई के दिन बाहर भी रहता है। जयदेव को जानने वाले लोगों ने बताया कि काफी रंगीन मिजाज का आदमी है ये। जयदेव का अफेयर है किसी से? अफेयर है या नहीं अभी क्लियर नहीं है, पर जयदेव के कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारी फीमेल क्लाइंट्स के नंबर है। और तो और सर, जब आस पड़ोस में इंक्वायरी की तो पता चला कि जयदेव की पत्नी भी उस पर शक करती है और मोनू की मदर विडो है और जयदेव की पत्नी को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ है। श्वेता, श्वेता यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। रश्मि, श्वेता, श्वेता देखो रश्मि क्या हुआ? रश्मि, रश्मि, क्या उसको? रश्मि, क्या हुआ सर? पता नहीं। रश्मि, हेलो। क्या हुआ मैडम, कैसी है रश्मि? वो प्रेग्नेंट है। क्या? तुम्हारी बेटी पूरे 3 महीने से प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता ही नहीं? देखो सज्जन, गरीब थी इसलिए काम पे रख लिया। अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखो, मुझे ऐसे लड़की को काम पे नहीं रखना। जी दोषी कोई भी हो, इंसाफ होगा, लेकिन इतना पक्का है कि बिट्टू किसी ब्लू शर्ट वाले आदमी के साथ गया और ये जो भी था बिट्टू उसे अच्छी तरह से जानता था क्योंकि बिट्टू अपनी मर्जी से उसके साथ गया। अब ये आदमी कौन हो सकता है? सोच के बताइए, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो आपके साथ, आपके पति के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ या बिट्टू के साथ? इंस्पेक्टर साहब, कोई हादसा जैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले बिट्टू जब घर आया था उसके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट्स थी। बिट्टू, बिट्टू हाँ? कहाँ गया था और इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से लाया? अरे मम्मी, वो अंकल ने दिए। कौन से अंकल? अरे वो पापा के दोस्त थे ना, उन्होंने दिए। तो बिट्टू अपने पापा के किस दोस्त की बात कर रहा था? मैंने उससे पूछा लेकिन बिट्टू ने मुझे कुछ बताया नहीं। बाद में मैंने इसके बारे में जैसे भी पूछा लेकिन उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। देखिए विनीता जी, हालांकि आपने हमें इस बारे में खुद कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी हमें पता चला है कि आपको शक है कि मोनू की माँ और आपके पति के बीच कुछ। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे मेरे पति के बारे में शक है। स्कॉन्ड का डोरा पीटने के लिए तुझे मैडम का घर मिला? हाँ, इसे मैडम का घर मिला था। क्या हुआ? क्यों मारा तू उसको? अरे माँ, कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, 3 महीने से पेट से। रश्मि, ये सब क्या है? रश्मि बोल, रश्मि किसका पाप है ये? अरे मेरी तरफ क्या देख रही है? हाँ, मेरी तरफ क्या देख रही है? तुझे पता ना तेरी माँ क्यों मरी थी? हाँ बोल। विवेक का पापा नहीं? विवेक के साथ मुंह काला कराया तूने? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, जान से मार दूंगा। पापा, उसने कुछ नहीं किया, इसको कुछ मत कहना। तो फिर कौन है? किसका पाप अपने पेट में लेके घूम रही है तू? बता रश्मि बता। अरे बोल क्यों नहीं रही है, किसका पाप है ये? सर, बिट्टू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टू की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। उसके पेट को सर्जिकल नाइफ से काटा गया था। सर्जिकल नाइफ? जी हाँ सर। बिट्टू की बॉडी से लिवर और किडनी दोनों गायब है। बॉडी को काटने से पहले बिट्टू को बेहोश किया गया था। उसकी फूड पाइप में चॉकलेट के ट्रेसेस मिले, शायद उसे चॉकलेट में कुछ मिलाकर दिया गया था।
मतलब बिट्टू को चॉकलेट खिलाकर पहले बेहोश किया गया, फिर उसके ऑर्गन निकाले गए। देखने से तो ऐसा लग रहा है सर, ये मामला ऑर्गन स्मगलिंग रैकेट से जुड़ा है। नितिन कुमार, इससे पहले अपने एरिया में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। भले ही पेट काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिस तरह से पेट काटा गया वो काफी अटपटा है। पोस्टमार्टम डॉक्टर का भी कहना है कि जिसने पेट काटा हो सकता है मेडिकल फील्ड से ना, लेकिन सर ऑर्गन तो निकाले गए, तो हो सकता है जानबूझ के सर्जिकल नाइफ से पेट काटा गया ताकि हमारी तहकीकात को भटकाया जा सके। खंडवा में जितनी मेडिकल शॉप हैं सब जगह पता करो पिछले दिनों किस किस को सर्जिकल नाइफ बेचे गए। ओके सर। एक अजीब बात पता चली सर, बिट्टू की एक बुआ है सिमरन। बिट्टू के गायब होने के ठीक एक दिन पहले सिमरन और उसका पति तीर्थ पे उज्जैन चले गए थे। तीर्थ? जी हाँ सर। पता चला है कि उनके कोई बच्चा नहीं है और उसी के लिए वो दोनों यहाँ वहाँ पीर फकीर से मिलते रहते हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि बिट्टू की मौत के पीछे ऑर्गन स्मगलिंग नहीं कोई तंत्र मंत्र का चक्कर? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है सर, अगर हम तहकीकात करेंगे तो शायद कुछ निकल आए। ठीक, सिमरन और उसका पति दोनों की डिटेल निकालो। ओके सर। सर माना कि हमें बच्चा नहीं है, पर बच्चा पाने के लिए हम बिट्टू को तंत्र मंत्र की बलि क्यों चढ़ाएंगे? तो बिट्टू के गायब होने के ठीक एक दिन पहले आप दोनों शहर से बाहर क्यों गए थे? पूजा पाठ कराने गए थे, तंत्र मंत्र तो हम मानते ही नहीं है। आप बेकार में हम पे शक जता के अपना और हमारा समय खराब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उसका अबॉर्शन हो जाएगा? देखो, उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर हो गया है और इतनी कम उम्र में अबॉर्शन करवाना कितना रिस्की हो सकता है पता है तुम्हें? लेकिन डॉक्टर साहब, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई। लेकिन ऐसे में अगर रश्मि का अबॉर्शन करवाएंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। देखो, रश्मि को ये बच्चा कैरी करना ही पड़ेगा। रश्मि इस केस का वो चेहरा थी जो उस वक्त हमारी नजर में नहीं आया था, लेकिन रश्मि का इस केस से एक चौंका देने वाला कनेक्शन था जिसके तार बिट्टू के मर्डर से भी जुड़े थे। लेकिन इससे पहले इस केस में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आया। चल। आपने देखा था बिट्टू किसी अंकल के साथ गया था? हाँ। कौन अंकल? फिल्म वाले अंकल। फिल्म वाले अंकल? हाँ अंकल, लेकिन मैं उनको नहीं जानता। उस दिन जब बिट्टू टॉयलेट करने गया था फिर वापस नहीं आया, तो मैं उसे देखने गया वो फिल्म वाले अंकल के साथ जा रहा था। अरे बिट्टू कहाँ जा रहे, खेलना नहीं है? अरे नहीं मोनू, मैं फिल्म वाले अंकल के साथ जा रहा हूँ। वो फिल्म वाले अंकल दिखते कैसे थे, पहना क्या था उन्होंने? ब्लू शर्ट पहना था। और कुछ याद है? नहीं सर। लग तो ऐसे रहे कि मोनू की माँ कहानी बना रही है, क्योंकि सबको पता है कि हम उस ब्लू शर्ट वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं। शायद हमें भटकाने के लिए उस ब्लू शर्ट वाले आदमी को अब फिल्मी अंकल का नाम दिया गया है। मुझे लगता नहीं सर ये फिल्म वाला कोई अंकल होगा। पर ब्लू शर्ट वाला तो है ना, जो उस दिन बिट्टू को अपने साथ ले गया। बिट्टू के दोस्तों से एक बार फिर से पूछताछ करो, वो इस फिल्मी अंकल के बारे में क्या बोलते हैं। आईसी केयर हॉस्पिटल के पास के केमिस्ट शॉप से सरस्वती नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी के प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के उसके लिए सर्जिकल नाइफ खरीदा गया था। उसकी डिलीवरी ऑपरेशन होने वाली थी, पर मैंने पता किया सर, उस हॉस्पिटल में सरस्वती नाम की कोई भी लेडी भर्ती नहीं हुई थी। आंटी, 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 ये रश्मि और उसके घर वाले अचानक कहाँ चले गए? मतलब कई दिनों से ताला लगा हुआ है। वो रश्मि के पापा को नई नौकरी लगी ना खंडवा में, तो सब लोग वहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा आंटी, एक और बात, ये आपको पता है कि खंडवा में कहाँ रहते हैं? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है।
चार से पांच महीने का पेट हो गया तेरा। अरे कम से कम पहले मुझे बता देती, तुझे पाप तो ना रोना पड़ता। अरे कहाँ खो गई है तू? जो मैं बोल रही हूँ सुन रही कि नहीं? ध्यान रखना, एक तो तुझे या किसी से कोई बात नहीं करनी, और कोई कुछ पूछे भी ना तो बताना कि तू 18 साल की है, शादीशुदा है और तेरा पति मुंबई में नौकरी करता है। समझी? समझी ना? दादी आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मां शादीशुदा लगने के लिए सिंदूर लगाना जरूरी है। अब मां तो जल्दी मेरे लिए खाना लगा दे जा। कोई चालाकी मत करना, पता है ना तेरी मां कैसे मरी थी? सर ये मेरी बहू डॉली है, ये कहीं मिल नहीं रही। सर कब से मिसिंग है? सर आज सुबह जब मैं सत्संग के लिए निकल रही थी तो डॉली घर पे ही थी। बहू सत्संग से आके फलहार करना है मुझे, सब तैयारी रखना। जी मां जी। और जब मैं सत्संग से वापस आई सर तो घर पे डॉली नहीं थी। आपके और डॉली के अलावा घर पे और कौन कौन रहता? सर मैं और मेरी बहू घर में अकेली रहते हैं। डॉली का हस्बैंड? सर मेरा बेटा भोपाल में जॉब करता है, वो वहीं रहता है। सर आप प्लीज पता कीजिए डॉली के बारे में, डॉली प्रेग्नेंट है सर। डॉली प्रेग्नेंट है? हाँ सर, तभी तो ऐसी हालत में वो इतनी देर तक बाहर नहीं रह सकती सर, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप कुछ भी कीजिए सर, लेकिन लेकिन मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। इनके घर के आसपास पता करो, शायद डॉली को किसी ने जाते हुए देखा। और ये भी पता करो कि डॉली का फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ था। तब तक मैं केमिस्ट से मिलता हूँ। सर सर मैंने डॉली को दोपहर में घर से बाहर जाते हुए देखा था। डॉली कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हो। मैं कैसे वापस कब आई? अभी दो ही दिन हो गए। आपने बताया डॉली दो दिन पहले अपने मायके से आई थी, उसका कोई इशू था क्या अपने ससुराल वालों से? जी सर, डॉली का अपने पति और अपने सास के साथ में बहुत झगड़ा होता था। पिछले 6 महीने से डॉली अपने मायके रहती थी। हाँ माँ, पुलिस ने क्या बोला? बोलना क्या था, कंप्लेंट लिख ली है। लेकिन ये पता कि तू कब आ रहा है? पुलिस का तो तुझे पता है ना, सब पता कर लेगी कि हमारा उसके साथ झगड़ा था। मुझे तो डर लगने लगा कहीं उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया तो। यस सर, इस सरस्वती नाम के पेशेंट के लिए सर्जिकल नाइफ इसी दुकान से खरीदा गया था। और यह सर्जिकल नाइफ खरीदा किसने था? सर एक ऑटो वाला था, क्योंकि वो अपने ही ऑटो से आया था इसलिए मुझे याद है। ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ नहीं लिखा डॉक्टर ने। देखो मेरे भी पेट से है, समझे ना, उसी का कुछ ऑपरेशन का लिखा होगा, समझे ना। उस ऑटो वाले को पहले कभी देखा था आपने? नहीं सर, लेकिन बहुत अजीब आदमी था सर, हर बात पे समझे ना समझे ना ऐसे बोलता था। और एक बात सर, उसके ऑटो के पीछे एक फिल्म स्टार का पोस्टर लगा हुआ था। अरे अब भी किताब लेके बैठी है? अब क्या फिर से स्कूल जाने का इरादा है तेरा? पापा आप कुछ भी कर लो, अब मुझसे मेरे सपना नहीं छीन सकते। अरे जाग मुसाफिर भोर भाई, सपने से बाहर आ। तेरे इस पेट के बच्चे ने तेरी और मेरी दोनों की किस्मत बदल दी है, यही सच है, इसका ध्यान रख। तेरे को कितनी बार बोला है खिड़की बंद रखा कर, ऐसे ही बैठ जाती है यहाँ पे। ज्यादा ममता ना कर इस पाप की निशानी की।
पाप तो पापा ने किया है दादी, माँ को भी फिर से शुरू हो गया उस फालतू बातों को लेकर। अपने दिमाग से निकाल दो सब बातें और चल जा सुनना, मेरी मदद कर। एक ऑटो वाले ने सर्जिकल नाइफ खरीदा और उस सर्जिकल नाइफ से बिट्टू का कत्ल कर दिया। एक 9 साल के बच्चे के साथ ऑटो वाले का क्या कनेक्शन हो सकता है? बिट्टू के दोस्त मोनू का कहना है, उस दिन जब बिट्टू टॉयलेट करने गया था फिर वापस नहीं आया, तो मैं उसे देखने गया, वो फिल्म वाले अंकल के साथ जा रहा था। और जिस ऑटो वाले ने सर्जिकल नाइफ खरीदा उसके ऑटो के पीछे भी किसी फिल्म स्टार का पोस्टर था, तो हो सकता है ये ऑटो वाला ही वो फिल्म वाला अंकल जिसने बिट्टू के चॉकलेट खाने की कमजोरी का फायदा उठाया, उसे किडनैप किया और उसे मार डाला। सारे ऑटो स्टैंड पर उन ऑटोज के बारे में पता करो जिनके पीछे किसी फिल्म स्टार का पोस्टर हो। गो सर। और बिट्टू के माँ बाप से पूछो क्या वो किसी ऐसे ऑटो वाले को जानते हैं। अब बिट्टू तो रहा नहीं, अब तो मुझे भी छोड़ दोगे और उसके बाद उस औरत के साथ। अरे चुप हो जाओ विनीता, जो मर्जी कुछ भी बोल रही हो तुम। चिल्लाकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मोनू की माँ के साथ या बाकी औरतों के साथ क्या है। घृणा आती है मुझे तुमसे, धोखा दिया है तुमने मुझे। हाँ बोलिए सर। इस एरिया में ऐसे किसी भी ऑटो वाले का पता नहीं चला है जिसके ऑटो के पीछे फिल्म स्टार का पोस्टर हो, और ना ही बिट्टू से जुड़े किसी ऐसे आदमी का पता चला है जो किसी ऑटो वाले को जानता हो। तो हो सकता है वो किसी दूसरे एरिया का, बाकी एरियाज में पता करो। सर सर, बुधनगर पुलिस को इस औरत की लाश मिली थी, इसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से डैमेज थी। ये तो डॉली लग रही। जी हाँ सर, लेकिन बुधनगर पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई थी, डिटेल रिपोर्ट आना भी बाकी है, पर उनका कहना है कि ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं थी। शक्ल तो डॉली की लग रही, डॉली मिसिंग है, लेकिन डॉली प्रेग्नेंट थी। डॉली के सास और पड़ोसियों ने यही कहा था। कहानी को समझ में नहीं आ रही सर। डॉली के मायके से पता किया तो पता चला कि डॉली की अपनी सास से ही नहीं अपने पति से भी नहीं बनती थी। डॉली का पति उसे डिवोर्स देने वाला था, फिर अचानक से उन दोनों के बीच पैचअप हो गया। सब बोल रहे हैं कि इसकी वजह डॉली का बच्चा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके अपने हस्बैंड से ज्यादा इल्म नहीं चाहती थी, इसलिए उसके हस्बैंड ने पैचअप कर लिया। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट नहीं है तो उन लोगों ने डॉली को मार दिया। सर आप कुछ भी आरोप लगा रहे हैं हम पर, डॉली प्रेग्नेंट थी सर। डॉली प्रेग्नेंट नहीं थी, लाश मिली है उसकी। क्या सर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, वो किसी और की लाश होगी। ये है जिसकी लाश हमें मिली। कौन है? देखो कौन है, आपकी बहू और आपकी वाइफ डॉली है ना। अब बोलो क्या कांड किया इसके साथ। सर हमने कोई कांड नहीं किया सर, हम तो खुद हैरान हैं ये सब जान करके सर। और सर डॉली प्रेग्नेंट थी, अगर आपको अभी यकीन नहीं आता सर तो आप डॉली के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कौन डॉक्टर? सर अग्रवाल मैटरनिटी के डॉक्टर अग्रवाल। अरे रश्मि पानी देना। अरे कब आए तू? बस अभी आया। रश्मि पानी दो। अरे सो रही होगी अंदर। अरे ऐसे कैसे सो रही, आंखों से सो रही, कानों से तो सुन रही होगी। रश्मि मैं लेके आती। नहीं मैं जाता। रश्मि रश, अरे रश्मि कहाँ है?
सर, ये डॉक्टर अग्रवाल वही डॉक्टर है जिस पर पहले भी बच्चे एक्सचेंज करने के आरोप लग चुके हैं। अब ये डॉक्टर अग्रवाल ही हमें सुनाएगा डॉली की प्रेगनेंसी के असली काम। चलो सर, डॉली प्रेग्नेंट थी और 2 महीने पहले उसका मिसकैरेज हो गया था। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये सब बातें मैं उसके घर वालों को ना बताऊं। लेकिन वो लगातार तेरे पास आ रही थी। हाँ सर, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो झूठे प्रेगनेंसी का नाटक क्यों कर रही है। सुन सुन, ज्यादा होशियारी मत कर, तेरी पूरी कुंडली निकाल के हम आए। ये बता कि डॉली की फेक प्रेगनेंसी में तेरा क्या रोल था? सर, वो मुझे उसने एक बच्चे का बंदोबस्त करने के लिए कहा था। ऐसे बंदोबस्त उन्होंने पहले भी किए होंगे, है ना? डॉली को किसका बच्चा देने वाला था? सर, कुछ टाइम पहले हमारी क्लिनिक में एक लड़की आई थी सर, जिसकी उम्र काफ़ी कम थी और उसका बाप चाहता था कि मैं उसका अबॉर्शन करूं। देखो, उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर हो गया है और इतनी कम उम्र में अबॉर्शन करवाना कितना रिस्की हो सकता है पता है तुम्हें? डॉक्टर साहब, अभी उसकी शादी भी नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर रश्मि का अबॉर्शन करवाएंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। देखो, रश्मि को ये बच्चा कैरी करना ही पड़ेगा। पर सर, देखो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना? नहीं। लेकिन अपनी बेटी से अगर बच्चा कैरी करवाओगे तो मेरे पास ऑफर है। ऑफर? सर, मैंने उसके बाप को 5 लाख देने का ऑफर किया सर, और वो मान भी गया। डॉली की फेक प्रेगनेंसी की कहानी तो तूने सुना दी, अब ये बता कि डॉली के मर्डर से तेरा क्या लेना देना? सर, मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। सर, डॉली डॉक्टर से 12 तारीख को मिली थी और 12 तारीख को ही वो गायब हो गई थी। हो सकता है डॉक्टर अभी कुछ पा रहा है। इसे थाने बुलाओ, वहां से ठीक से पूछताछ करते हैं और इसके क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज में चेक करो कि डॉली वाकई उस दिन उससे मिलने आई थी या नहीं। सर, और वो लड़की रश्मि, उसे और उसके बाप को दोनों को थाने बुलाओ। अरे आई क्या रश्मि? अरे आस पड़ोस में सब जगह ढूंढ रही है, कहीं कोई पता नहीं चला। तुमको देखना किस... सज्जन जी, रश्मि कहाँ? सर, आप लोगों के आने से पहले हम उसी को ढूंढ रहे थे, वो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हुई। खैर, रश्मि को तो हम ढूंढ लेंगे, तू बता तो रश्मि को लेके डॉक्टर अग्रवाल के पास गया था ना? अब तू बोलेगा या मैं बोल? बोल। सर, हम तो अबॉर्शन करवा नहीं गए थे सर, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल ने बोला कि अबॉर्शन नहीं हो सकता है, रश्मि की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते थे ना, इसलिए मैंने उनका ऑफर मान लिया। और तेरी नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट किसने किया? किसने किया? बोल। सर, 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 उसका रेप रेप हुआ था सर। रश्मि ने खुद बताया था रेप के बारे में, वो जहां काम करती थी उसका मालिक और उसके दोस्त ने उसके यार राहुल, तूने अच्छा किया तो घर पे आ गया, जब श्वेता नहीं होती ना दारू पीने का मजा ही अलग होता है। चीज़। और कुछ चाहिए आप लोगों? ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या हो गया, सैलरी मैं देता हूँ तुमको, कुछ पैसे ही दे देगा। सर, रश्मि के मालिक और उसके दोस्त ने रश्मि का वीडियो बना लिया था, वो वीडियो कहीं दिखा देते तो हमारी बदनामी होती, इसीलिए मैं भोपाल से खंडवा आ गया। सोचा था कि यहाँ अबॉर्शन करवा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन रश्मि पता नहीं कहाँ चली गई। इतना सब कुछ हुआ लेकिन तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि पुलिस में कंप्लेंट लिखो है। क्यों? वो जो उस डॉक्टर की तरह रेपिस्ट ने भी ऑफर किया था ना पैसे, ताकि तेरा मुंह बंद रहे। जिन लोगों ने तेरी बेटी का रेप किया उनकी डिटेल बता। रश्मि का रेप करने वाले मुजरिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया, उनके बयान से ये साफ हो गया कि उनकी कंप्लेंट ना लिखवाने के लिए उन्होंने रश्मि के पिता को पैसे दिए थे। पैसे के लालच में रश्मि के पिता और डॉक्टर अग्रवाल ये रश्मि के सामूहिक शोषण के जिम्मेदार थे। पर डॉली वो किसके जुर्म का शिकार हुई थी ये भी काफी होश उड़ाने वाला था। सर, 12 तारीख को जिस दिन डॉली गायब हुई थी उसने डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक के पास से एक ऑटो पकड़ा था सर, ये उसकी सीसीटीवी फुटेज है। ये ऑटो के पीछे किसी फिल्म स्टार का पोस्टर जैसा कुछ लग रहा है। सर, केमिस्ट ने हमें बताया था कि जिस ऑटो वाले ने उसके यहाँ से सर्जिकल नाइफ खरीदा था उसके ऑटो के पीछे फिल्म स्टार का पोस्टर था। तो सर, इस ऑटो के पीछे भी फिल्म स्टार का पोस्टर है, हो सकता है ये वही ऑटो वाला हो।
लेकिन सर इसकी पहचान करना मुश्किल है क्योंकि इसके ऑटो के पीछे जो नंबर प्लेट है वो फेक है। तो हो सकता है इस ऑटो का इस्तेमाल सिर्फ क्राइम करने के लिए करता। लेकिन सर हमें इस ऑटो की कोई लीड नहीं मिल रही, तो हम इस आदमी को ढूंढेंगे कैसे? तुम्हें याद है कैबिन्स ने कहा था? लेकिन बहुत अजीब आदमी था सर, हर बात पे समझे ना समझे ना ऐसे बोलता था। जैसे ही उसका तकिया कलाम हो। तो अब अगर ऑटो नहीं मिल रहा तो हम ऐसे ऑटो वाले को ढूंढेंगे जिसका तकिया कलाम हो समझे ना। सर रश्मि को उसके घर के पास से एक लड़के के साथ एक ऑटो में बैठे देखा गया, सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। तो वही ऑटो है जो डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक के बाहर, इसी ऑटो में आखिरी बार डॉली को देखा गया और वो गायब हो गए। अब इस ऑटो में रश्मि, उसके बाद रश्मि गायब। रश्मि के साथ ये लड़का कौन है? सर ये तो विवेक है, रश्मि के साथ ही पढ़ता था। हो सकता है इस विवेक का ऑटो वाले से कोई कनेक्शन। उठाओ इसे। सर रुक, चल छोड़ो मुझे, चल छोड़ो, क्यों निकाल रहे हो मुझे यहाँ से? रुक, ले। बोलो। सर मैं उस ऑटो वाले को नहीं जानता हूँ। तो रश्मि के साथ बैठकर उस ऑटो में कहाँ गया था? सर रश्मि अचानक से खांडवा आ गई थी अपने फैमिली के साथ, तो मैं बस उसे मिलने आया था और फिर वहाँ से उस ऑटो में बैठकर हमें ग्राउंड की तरफ आए थे क्योंकि अगर हम वहाँ पर बात करते तो रश्मि के पापा हमें देख लेते। तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैंने सोचा था विवेक मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर मुझे डर लगा कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। रश्मि गलत तुम नहीं, गलत वो लोग हैं। और फिर सर रश्मि से मिलकर मैं घर चला गया और रश्मि उसी ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई थी। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं पता है। बिट्टू के साथ देखा गया ब्लू शर्ट वाला आदमी और ऑटो वाला दोनों एक ही थे और यही वो फिल्म वाला अंकल था जिसने बिट्टू को मारकर उसके ऑर्गन निकाल लिए थे। डॉली को भी उसी सर्जिकल नाइफ से मारा गया था और डॉली के ऑर्गन नहीं निकाले गए थे। हम ना तो मुजरिम के मोटिव का कोई अंदाजा लगा पा रहे थे और ना ही मुजरिम का। हम पर प्रेशर ये भी था कि उसने अब रश्मि को भी गायब कर दिया था। रश्मि को बचाने के लिए जरूरी था कि हम जल्द से जल्द उस मुजरिम की पहचान पता कर लें। तभी हमें एक क्लू मिला। समझे ना समझे ना। अच्छा वो मुन्ना की बात कर रहे हो? हाँ हाँ मुन्ना मुन्ना, कहाँ है वो आजकल? अरे वो तो आजकल ऑटो भी नहीं चलाता, क्यों क्या हो गया? हेलो सर, कुछ महीने पहले तक यहाँ खांडवा में एक आदमी ऑटो चलाता था सर, जो बिल्कुल इसी तरह समझे ना करके बात करता था। सर उसके ऑटो के पीछे भी फिल्म स्टार का पोस्टर लगा हुआ था। क्या नाम है उसका? सर मुन्ना। सर यहाँ पास के दीपला गांव का रहने वाला है। ये मुन्ना यहीं रहता है? यहीं पर रहता है लेकिन अपने माँ बाप की मौत के बाद आजकल कम ही आता है। आजकल कहाँ रहता है कुछ पता? बाबा ने मुझे बोला था कि मैं किसी बच्चे के शरीर के पुर्जे निकालकर अगर साधना करूंगा तो मुझे खजाना मिलेगा।
इसलिए मैंने बच्चे की तलाश शुरू की और एक दिन मेरी नजर बिट्टू पे पड़ी। मुझे पता चल गया कि चॉकलेट बिट्टू की कमजोरी है और इसी का फायदा उठा के मैंने उससे दोस्ती की शुरुआत की। और जब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई तो मैं उसे अपने साथ घर लेके गया। लेकिन जब बिट्टू को मेरी नीयत के बारे में पता चला तो वो मुझसे भागने लगा सब। फिर मैंने चॉकलेट में नशे की दवा मिलाकर खिला दिया और बेहोश कर दिया उसे और उसकी बलि चढ़ा दी साहब, समझे ना? बलि देनी थी तो ऑर्गन क्यों निकाले? क्योंकि बाबा ने मुझे बोला था कि सिर्फ उसकी बलि नहीं उसके शरीर के पुर्जे भी निकालने थे, समझे ना? इसीलिए मैंने सर्जिकल नाइफ खरीदा। और बाबा ने यह भी बोला था साहब कि शरीर के पुर्जों को पानी में उबाल कर वो पानी पीना होगा। और एक अजन में बच्चे की पूजा भी करनी थी मुझे। इसलिए तूने डॉली को उठाया? हाँ साहब, लेकिन बाद में पता चला कि डॉली गर्भवती नहीं थी, समझा ना? क्या है? नौकर की साली, नकली पेट लेके घूम रही तू? उसने बोला कि वो किसी से बच्चा लेने वाली थी, समझे ना साहब? मैंने डॉली को मार के फेंक दिया। फिर मैंने उस लड़की को टारगेट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, अब अचानक से आके, समझे ना? अब तुझे हम समझाएंगे, समझे ना? समझाओ इसे। वो मुजरिम इतना सिरफिरा था कि उसने वाकई सर्जिकल नाइफ से रश्मि की कोख से उसके अजन्मे बच्चे को निकालने की तैयारी कर रखी थी। वो तो गनीमत थी कि हम वक्त रहते वहां पहुंच गए और रश्मि और उसके बच्चे को बचा लिया। मुन्ना ने जिस मकसद से इन जुर्मों को अंजाम दिया, ये अंधविश्वास का वो पागलपन था जो ताउम्र मुझे याद रहेगा। हमने जल्दी बंगाल से उसके उस्ताद उस तांत्रिक बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि एक सरफिरा मुजरिम मुन्ना, जिसका बिट्टू, डॉली और रश्मि से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, आखिर उसने इन तीनों को ही अपना टारगेट क्यों बना लिया? बिट्टू जब किसी अनजान आदमी से चॉकलेट लेकर घर पहुंचा तो एक जुर्म ने दस्तक दी थी। बिट्टू की मां ने अगर उस वक्त ये जानने की कोशिश की होती कि चॉकलेट देने वाला कौन था तो शायद बिट्टू मुन्ना के इस जुर्म से बच सकता था। लेकिन बिट्टू की मां ने जुर्म की इस दस्तक को नजरअंदाज कर दी। फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके डॉली ने खुद ही अपनी जिंदगी में जुर्म को न्योता दिया था। लेकिन मजबूर रश्मि की परेशानी को अगर उसके पिता ने पॉजिटिवली लिया होता तो शायद इतनी छोटी सी उम्र में रश्मि को इतनी बड़ी मुसीबतों का शिकार ना होना पड़ता। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। सर, कमिश्नर साहब ने एक नए केस की फाइल भेजी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.